जय हिंद, भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी ट्यूटोरियल आर्मी के 2017 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू लेकर आए हुए हैं। आज हम सब ट्यूटोरियल आर्मी के 2017 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू कर लेंगे। इससे पहले हम सभी ने पार्ट वन डिस्कस किया था, तो यदि आपसे पार्ट वन मिस हो गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर ड्रॉ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप ट्यूटोरियल आर्मी के 2017 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट वन देख सकते हो। तो आज हम सब शुरू करेंगे इंडियन ट्यूटोरियल आर्मी के 2017 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू से। तो आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करें, क्योंकि 25 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर सवाल दिया गया, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? बताना है कि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, ए 10, बी 13, सी 5 या फिर डी 50। तो देखिए, एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है वो होती है 13, ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या है, तो वो है 13। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर सवाल कर लेंगे। 27, 27 नंबर सवाल दिया गया, मानव शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 65%, बी 18%, सी 10% या फिर डी 0। तो देखिए, 65% जो है वो ऑक्सीजन O2 की मात्रा है, 18% जो है वो कार्बन C की मात्रा है, और 10% जो है वो आपका हाइड्रोजन की मात्रा है H2। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो सी 10% और 65% मात्रा है ऑक्सीजन की, और 18% मात्रा है मानव शरीर में कार्बन की। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 28, 28 नंबर सवाल दिया गया, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, ए लाल, बी पीला, सी हरा या फिर डी बैंगनी। तो देखिए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। कौन है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, तो वो है बैंगनी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल कर लेंगे। 29 नंबर सवाल दिया गया, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा है? बताना है कि जो चाबी वाली घड़ी होती है, जब हम पूरी तरीके से चाबी भर देते हैं तो उसके बाद जो चलती है उसमें कौन सी ऊर्जा है, ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा या फिर डी संचित ऊर्जा। तो देखिए, चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है चाबी भरी हुई घड़ी में, तो चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल कर लेंगे। 30 नंबर सवाल दिया गया, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अप्रगामी या फिर डी विद्युत चुंबकीय। तो देखिए, ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 31 31 नंबर सवाल दिया गया, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, बी अंग, सी उत्तक या फिर डी नाभिक। तो देखिए, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई है ऑप्शन नंबर ए, और वो है आपका कोशिका। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 नंबर सवाल कर लेंगे। 32 नंबर सवाल दिया गया, राइबोसोम्स होते हैं, ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन्स या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि राइबोसोम्स कौन होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए जो है राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कौन होते हैं, आरएनए या आरएनए पर चिपके होते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल कर लेंगे। 33 नंबर सवाल दिया गया, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, ए बांस, बी चावल, सी मनी प्लांट या फिर डी रीक। तो देखिए, संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वो होता है बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है, तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 34 नंबर सवाल दिया गया, आलू क्या है? ऑप्शन नंबर ए जड़, बी डंठल, सी कली या फिर डी फल। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अनुसार बी सही होगा, डंठल। आलू क्या है, तो आलू एक प्रकार का डंठल है। ठीक है, क्या है आलू, तो आलू एक प्रकार डंठल है, और डंठल को हम सब तना भी कभी कभार लिखते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल कर लेंगे। 35 नंबर सवाल दिया गया, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए दालचीनी, बी लौंग, सी नीम या फिर डी तार। यहाँ पे बताना है कि किस पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो देखिए, दालचीनी
का पेड़ होता है और जिसका छाल का रूप, छाल का प्रयोग हम सब दालचीनी के नाम से ही करते हैं। दालचीनी का पेड़ होता है और उसी के छाल का रूप हम लोग दालचीनी के रूप में भी करते हैं। चलिए यहाँ पे जो है हमारा जीएस सेक्शन कंप्लीट हो गया जनरल साइंस, क्योंकि 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से होते हैं और 15 क्वेश्चन होते हैं जीके से, तो टोटल 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ से हम समझेंगे का 5 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का 40 नंबर तक, और 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, ट्यूटोरियल आर्मी के, तो 40 से लेकर 50 तक हम सब मैथ कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल दिया गया है, सांसद संसद डॉक्टर पर्यावरण प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताना है कि जो संबंध सांसद और संसद के बीच है वही संबंध डॉक्टर और निम्न में से किसके बीच है। तो देखिए सांसद जो होते हैं उनका कार्यस्थल कहाँ पर है, तो उनका कार्यस्थल होता है संसद में, उनका काम करने का जगह कौन सा है, तो सांसद के काम करने की जगह संसद है। उसी प्रकार डॉक्टर के काम करने की जगह कौन सी है, तो डॉक्टर के काम करने की जगह है अस्पताल। तुम्हारा सही आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन, और बी नंबर में दिया गया है अस्पताल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल कर लेंगे। 37 37 नंबर सवाल दिया गया, 5 25 8 फिर वॉट, बताना है कि जो संबंध 5 और 25 के बीच है वही संबंध 8 और 9 में से किसके बीच है। तो 5 का संबंध 25 से क्या है, 5 का स्क्वायर होता है 25, उस तरीके से 8 का संबंध भी हमें स्क्वायर के रूप में ढूंढना होगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 64। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल कर लेंगे। 38 नंबर सवाल दिया गया, कागज फाइल फोटो फिर वॉट, बताना है कि जो संबंध कागज और फाइल में है वही संबंध फोटो और किसके बीच है। देखिए संबंध ढूंढना है, कागज किस में रखा जाता है, तो कागज को हम सब फाइल में रखते हैं, उसी तरह फोटो को किस में रखा जाता है, तो फोटो को हम सब एल्बम में रखते हैं। हमारा सही आंसर हो गया डी, और डी में दिया गया है एल्बम। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल कर लेंगे। 39 नंबर सवाल दिया गया, 3 5 8 12 17 फिर है वॉट का चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आगे क्या होगा। तो देखिए 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 17, यहाँ पे वॉट। तो देखिए 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा 2, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा 3, 8 में कितना जोड़ेंगे तो 12 होगा 4, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 17 होगा 5। देखिए कि हर एक अगला पद में एक एक करके बढ़ा दिया जा रहा है, एक एक बढ़ा के जोड़ा जा रहा है, जैसे यहाँ 2 जोड़ा तो उसका अगला पद में 3 जोड़ा, उसका अगला पद में 4 जोड़ा, उसका अगला पद में 5 जोड़ा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अगला पद में क्या जुड़ेगा, तो जुटेगा 6, और क्या हो जाएगा, तो 17 और 6 कितना होता है, 17 और 6 तो 17 और 6 होता है ऑप्शन नंबर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 और रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे, 40 नंबर सवाल। नंबर 40 40 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में भिन्न की पहचान करें, हमें यहाँ पे अलग की पहचान करना है जो अलग है। ऑप्शन नंबर ए गुलाब, बी कमल, सी फूलगोभी, या फिर डी चमेली। तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 किसी एक ग्रुप के होंगे और जो एक होगा वो अलग ग्रुप का होगा, वो उस ग्रुप का मेंबर नहीं होगा। जैसे मैं गुलाब क्या है, तो गुलाब फूल है, कमल क्या है, कमल भी एक तरह का फूल है, और चमेली क्या है, तो चमेली भी एक तरह का फूल है। लेकिन क्या फूल गोभी फूल है, जी नहीं, ये सब्जी है, ये क्या है, तो ये सब्जी है फूल गोभी। तो इसमें हमें भिन्न कौन हो गया, अलग कौन हो गया, तो यहाँ पे भिन्न और अलग हो गया आपका सी नंबर ऑप्शन, और वो क्या है, तो वो हो गया फूल गोभी। चलिए यहाँ पे जो है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया और हमारा रीजनिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी 41 से स्टार्ट करेंगे और 41 से लेकर 50 तक, 41 से लेकर 50 नंबर तक आपका जो है मैथ सेक्शन का क्वेश्चन होगा। तो चलिए देख लिया जाए 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल दिया गया, 40 भागा 10 गुना 3 माइनस 12 बराबर वॉट कितना होगा। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 40 भागा 10 गुना 3 माइनस 12 यही निकालना है कितना आएगा। देखिए बोर्ड मास से आप सभी समझ गए होंगे, और बोर्ड मास में यहाँ के अनुसार पहले भाग होगा, फिर गुना, और तब होगा घटाव आखिर में। तो भाग लेंगे तो 10 से जब 40 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो आप सभी जानते हो 10 से 40 में भाग देने पर 4 बार में ये कट जाएगा, फिर है गुना 3 और फिर है माइनस 12। तो फिर पहले गुना, तो 4 गुना 3 कितना हो गया, 4 गुना 3 हो गया 12, और फिर माइनस 12, तो 12 में से 12 घटाओगे तो 0 आएगा, ये प्लस ये माइनस कट ही जाएगा, तो आंसर हो गया 0 सी नंबर। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल कर लेंगे।
42 नंबर सवाल दिया गया, 400 का 80% बराबर वॉट कितना होगा? तो 400 का मतलब हो गया गुना, 80% हटाएंगे तो नीचे बैठेगा बट्टा में 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्या हो गया, हो रहा है आपका देख लो 40 × 8, 8 का होता है कितना बताइए, 8 का होता है 32 और एक जीरो इसके साथ है तो हो गया एक जीरो, कितना आ गया 320 और ये दिया गया है ए नंबर में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल कर लेते हैं। नंबर 43 43 नंबर सवाल दिया गया है, 1000 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह 19 से पूर्णता विभक्त हो जाए। बताना है कि 1000 में से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम घटा देंगे जिसके बाद जो बच जाएगा वो जो है आपका 19 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि हम सब 19 से 1000 को भाग देकर देख लेंगे, जितना बच जाएगा शेषफल उतना को घटा देंगे तो या फिर 19 से पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि जो रोड़ा पड़ रहा है इसको कटने में जितना शेषफल बचेगा इसका मतलब कि अगर उस संख्या को घटा दे तो ये पूरा तरीका से 19 से कट जाएगा। तो देखेंगे कितना बार में जाएगा, तो 19 से हम सब इसको 5 टर्म में चलते हैं, 19 से 5 बार में तो कितना आएगा 19 25 यहाँ पे करके देख लीजिए, 5 × 9 = 45 का 5 × 6 = 4, 5 × 4 = 9 = 95 हो गया, कितना हो गया 95, क्या आ रहा है 100 में से 95 गया तो बचा 5 और अगला डेट है 0, 50 हो गया, अब क्या है 50 हो गया, अब क्या होगा कि 50 होने के बाद कितना बार में अब चलेंगे, तो 19 दुना होता है 38, उससे ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 38 तो कितना बच गया 12, इसका मतलब जब हम 1000 में से 12 को घटा देंगे उसके बाद फिर ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 12। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 44 44 नंबर सवाल दिया गया, √100 + √625 = what, बताना है कि क्या होगा √100 + √625। तो देखिए √100 ठीक है, 100 किसका स्क्वायर होता है तो आप सभी जानते हो 10 का, √625 किसका स्क्वायर होता है तो 25 का, अब क्या होगा 10 का स्क्वायर मतलब क्या, 10 का 2 लिख सकते हैं 2, तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 का 2 लिख सकते हैं तो 2, तो 2 10 है तो 1 10 बाहर आएगा, रूट टूटेगा तो 2 25 है तो 1 25 बाहर आएगा, रूट टूटने के बाद कितना हो गया 25 और 10 आपका हो जाता है 35, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 45 45 नंबर सवाल दिया गया, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ab 2ab 4ab या फिर डी a² - b². तो देखिए ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, क्या होता है सी नंबर ऑप्शन 4ab होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेंगे। 46 नंबर सवाल दिया गया, an = what, बताना है कि an = क्या होता है, a2 - a1, b a + n - 1, c n/2 × a + l, d a + n - 1 × d। तो राइट आंसर है an = फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, डी नंबर ऑप्शन a + n - 1 × d। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देख लेंगे। 47 नंबर सवाल दिया गया, 13.6 × 1.24 बराबर वॉट कितना होगा, क्या दिया हुआ है 13.6 × 1.24, इसी को गुना करना है। तो देखिए दशमलव के गुना में पहले हम लोग सिंपल गुना करेंगे, अभी दशमलव को ध्यान में ना रखेंगे, पहले हम लोग सिंपल गुना कर लेंगे, सिंपल गुना क्या हो गया 136 और गुना में है 124, यही है ना, पहले सिंपल गुना कर लेंगे बिना दशमलव को ध्यान में रखे, पहले हम लोग सिंपल गुना करेंगे, 4 × 6 = 24 हासिल 2, 4 × 3 = 12 और 2 × 14 हासिल 1, 4 × 1 = 4 और 1 हो गया 5, 6 × 12 = 2 हासिल 1, 3 × 2 = 6 और 1 हासिल 7, 2 × 1 = 2, क्या होगा 1 से है तो 136 रिपीट कर जाएगा, कितना आ गया 4, 4 × 2 = 6, 7 × 5 = 12 और 6 × 18 = 8 हासिल 1, 3 × 2 = 5 और 1 = 6 और ये कितना आ रहा है 16864।
आ रहा है आपका गुणा करने पे 16864। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था दो अंक का बाद दशमलव और यहाँ पे था एक अंक के बाद दशमलव, तो गुणा में क्या होता है कि दोनों का दशमलव जुट के उतना ही स्थान ले लेता है, तो दो अंक यहाँ पे और एक अंक यहाँ पे कितना हो गया 3 अंक, मतलब दशमलव बैठाएंगे हम लोग 3 अंक के बाद, तो आ रहा है 16864, 16864 दिया गया है बी नंबर में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 नंबर सवाल कर लेंगे। 48 48 नंबर सवाल दिया गया, 85 + 8 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो 85 + 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप सब भी जानते हो 64 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है तो 100 होता है, तो बोर्डमास जैसा ही है, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो 85 और 64 कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 हो गया 9 और 8 और 6 हो गया 14, ठीक है, माइनस में हो गया आपका 100, कितना आएगा, 149 में से 100 कटाओगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल कर लेंगे। 49 नंबर सवाल दिया गया, आयत का परिमाप इक्वल टू व्हाट, बताना आयत का परिमाप कितना होता है, ए एल बाई बी, बी टू इंटू एल बाई बी, सी टू इंटू एल प्लस बी, या फिर डी टू इंटू एल माइनस डी, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपके ऊपर है, आपको मुझे इसका आंसर देना है, क्योंकि ट्यूटोरियल आदमी ने काफी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, और इसका आंसर बताना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ, आप सब मुझे एक क्वेश्चन तो बता दो, एक क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हो तो भेजो, कमेंट बॉक्स में जाना, क्वेश्चन नंबर लिखना, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो ऑप्शन लिख कर मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। तो चलिए अब हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी सवाल 2017 क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, यदि एक किताब को 450 रुपए में खरीद कर 920 रुपए में बेचा गया तो लाभ ज्ञात करें, ठीक है, तो कितना में खरीदा गया, तो खरीदा गया था 450 रुपए में, तो खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया 450, अब है 450 में खरीद कर 920 में बेचा गया, तो बेचने को बोलते हैं विक्रय, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, लिख देंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 920, खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य 450 में खरीदा, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य, तो बेच दिया 920 में, अब देखिए लाभ बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, तो वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय किया हुआ मूल्य है 920 और क्रय मूल्य कितना था, कितना में खरीदा था, खरीदा था 450 में, तो कितना का बेनिफिट हुआ, तो 400 हो गया 800 और 50 भी 70, तो मतलब करीब 470 रुपए का बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ, देख लेते हैं 920 में से 450 घटाकर, 0 में से 0 गया 0, यहां से खासी लेंगे 12 में से 5 गया तो 7, यहां पे बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4, कितना आ गया। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। चलिए तो इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल आर्मी का 2017 का क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, अब फिर मिलेंगे आपसे, उसमें हम सभी ट्यूटोरियल आर्मी के फ्यूदर क्लासेस फ्यूदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, हो सकता है 16 का हो, 15 का हो, या इधर 19 का भी 18 का भी हो सकता है, जैसे जैसे मिलती है, जिस ईयर की वैसे वैसे मैं लाता रहूँगा ट्यूटोरियल आर्मी का, तो अभी के लिए इतना ही, तब तक हमारी और भी ट्रेड की क्लासेज अटेंड करते रहें, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन में अंतर होता है कि जीके से इतना आएगा, मैथ से इतना आएगा, साइंस से इतना आएगा, बस यही अंतर है, बाकी सबका सिलेबस तो सेम ही है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि सारे ट्रेड की क्लासेज अटेंड कर लें। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।